नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के पीटीएस के पास पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ इस चरणों में एक व्यक्ति को संदिग्ध रूप से घूमते हुए पुलिस की तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्टल मिली। युवक अमैया पुलिस की हिरासत में, पुलिस अब उससे पूछताछ करके जानने का प्रयास कर रही है पिस्टल कहां से। रीवा पुलिस लाइन में पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार। अमैया पुलिस सरगना तक पहुंचने की कर रही तैयारी। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे युवक को पुलिस लाइन के पास पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ स्टैनो ने अपने साथियों के साथ देखा। युवक को रोककर उससे पूछताछ की। युवक अपने सामने कई पुलिस वालों को एकाएक देखकर घबरा गया। युवक की संदिग्ध हालत देखकर पुलिस कप्तान के स्टैनो ने अपने साथियों के साथ युवक की तलाश ली। संदिग्ध अवस्था में मिले युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से पिस्टल बरामद हुई। पकड़े गए युवक से पुलिस पिस्टल उपलब्ध कराने वाले मुख्य सरगना तक पहुंचने के लिए लगातार युवक से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है इस युवक की मदद से वह अवैध हथियारों के सप्लायर तक भी पहुंच सकती है। इस तरीके से कट्टा मिलना, वह भी पुलिस लाइन के पास, काफी गंभीर बात मानी जा सकती है। माना जा सकता है युवक कोई गंभीर वारदात करने की फिराक में पुलिस लाइन में टहल रहा था। हालांकि काफी अरसे बाद पुलिस ने अवैध हथियार पकड़ा है। पुलिस को उम्मीद है एक बार फिर से जिले में कहीं अवैध हथियारों की सप्लाई तो नहीं प्रारंभ हो गई, जिसके चलते पुलिस युवक से कड़ाई से पूछताछ करने में जुट गई है। पुलिस को उम्मीद है इस युवक की मदद से वह अवैध हथियारों के सप्लायर तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि पुलिस ने उसको रोका। रोकने के बाद जब उससे पूछताछ की तो युवक घबरा गया। पुलिस ये मानकर चल रही है कि ऐसे लोगों से पूछताछ में ये लोग जल्दी से टूट जाते हैं। ये कोई बड़ी वारदात की फिराक में टहल रहा युवक था। इसका पिछला रिकॉर्ड भी पुलिस अब ढूंढ रही है। पुलिस इसके बारे में पुरानी वारदातों ने इसने की थी या नहीं की थी, या नया अपराधी है, तमाम ऐसी बातें जो युवक से जुड़ी हो सकती हैं, पुलिस की मददगार साबित हो सकती हैं, उससे लगातार पूछताछ कर रही है। उसके बारे में लगातार रिकॉर्ड उसका एकत्र कर रही है। फिलहाल युवक अमैया पुलिस की हिरासत में है। अमैया पुलिस युवक से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। अमैया पुलिस को उम्मीद है इस युवक की मदद से वह अवैध हथियारों के सप्लायर तक भी पहुंच सकती है। पुलिस के द्वारा पकड़े गए युवक को लेकर हमने कार्रवाई के संबंध में डीआईजी और रीवा के पुलिस कप्तान नवनीत भसीन से बात की। उनका कहना था, हमारे स्टैनो पुलिस लाइन में अपने साथियों के साथ टहल रहे थे, उसी दौरान युवक दिखा। युवक संदिग्ध हालत में देखकर हमारे स्टैनो और ने उसको रोका, उससे सामान्यतः पूछताछ की, लेकिन वह घबरा गया। तत्काल ही उसको पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर उसके साथ अवैध रूप से एक कट्टा भी मिला। हमारी टीम अब उससे पूछताछ कर रही है। युवक अमैया पुलिस की हिरासत में है। सुनिए क्या जानकारी दी डीआईजी और पुलिस कप्तान रीवा ने अवैध रूप से कट्टे के साथ पकड़े गए युवक को लेकर। कल रात्रि में एक युवक को पूछताछ की गई, रोके, उसके पश्चात चेकिंग के दौरान उसके पास एक कट्टा प्राप्त हुआ है। अभी उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, साथ ही उससे सोर्स पता किया जा रहा है कि उसको ये कट्टा कहाँ से मिला। अगर आगे कुछ और चेन बनती है तो हमारा प्लान उसको भी आगे हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। सर, जानकारी मिल रही कि आपके लीडर हमारे ऑफिस में पदस्थ स्टैनो और उनके साथी ने दौरान जब भ्रमण कर रहे थे वो लाइन में, तो उस दौरान उनको एक व्यक्ति संदिग्ध दिखा। उन लोगों ने अच्छा एक्शन लिया और उसको रोक के पूछताछ की और उस कारण से ये व्यक्ति पकड़ में आया। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।